हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू दी लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं निकिता सिंह आप लोग की लीगल मैं यहाँ पे आज एक स्पेशल सेशन लेके आई हूँ फॉर दी महाराष्ट्र कैंडिडेट्स एंड अदर नॉन महाराष्ट्र कैंडिडेट्स जिसका सपना है ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जाम में एम एस सी ई टी फाइव ईयर या थ्री ईयर का लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा से मैं बोलती हूं कि अगर आप लोगों को अदर स्टेट लॉ एंट्रेंस का एग्जाम देना है तो साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं चाहे आंध्र प्रदेश मध्य आंध्र प्रदेश तेलंगाना केरला महाराष्ट्र इन सब स्टेट्स के लॉ एंट्रेंस के एग्जाम जरूर दीजिए क्योंकि यहां से भी लॉ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अगर एम के थ्रू आप लॉ करते हैं तो आप लोगों को जीएलसी आई एल एस कॉलेजेस मिलने का मौका मिलता है जो कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है बेस्ट कॉलेज बेस्ट प्रोफेसर बेस्ट लाइफ सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं आप लोग अगर नए हैं इस सेशन को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए सेशन को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हाउ टू स्टार्ट एम एस सी टी एल एलवी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर प्रिपरेशन फ्रॉम देखिए आप लोगों के पास देखा जाए ऑगस्ट सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और ये आप लोग का मई है यानी कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस आप लोगों के पास अगर आज से देखा जाए तो एग्जैक्ट दस मंथ बाकी हैं आप लोगों के एम एस सी टी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एग्जाम के लिए तो इस एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए फर्स्ट और सिंगल अटेम्प्ट में तो वे सेशन में आप लोग एंड तक जुड़े रहिएगा और सेशन के एंड में जिसको जो भी डाउट हो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं इस बार बहुत बेटर रिजल्ट गया है एमएससीटी का जहाँ पे कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एमएससीटी के थ्रू बेस्ट कॉलेजेस में सो so, चलिए क्लास जो भी यहाँ पे एम के हैं सबसे पहले ये जो मेरे फाइव ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग ये देख लीजिए फॉर द फाइव ईयर एल कौन कौन से कोर्स आता है बी एल एल बी बी कॉम एल एल बी बी एस सी एल एल बी तो आप लोगों का ये होता है एग्जाम पैटर्न लीगल के 40 क्वेश्चन जीके के 30 रीजनिंग के 40 इंग्लिश का 30 और मैथ्स के 10 मार्क्स तो ये आप लोग का वेटेज होता है अगर मैं एमएससीटी थ्री ईयर की बात करूं तो आप लोगों में सिर्फ मैथ्स नहीं आता है अदरवाइज आप लोगों का भी पेपर पैटर्न सेम होता है ठीक है तो यहाँ भी आप लोग का पेपर पैटर्न सेम होता है नेगेटिव मार्क्स बिल्कुल नहीं होता है सो so जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं एमएससीटी का दस महीने में आप लोग को क्या क्या चीजें करनी है सबसे पहला नो योर सिलेबस अपने सिलेबस को जानिए देखिए लॉ एक ऐसा फील्ड है ना जो कि सिर्फ एडवोकेट या जज बनने तक सीमित नहीं है इसका जो स्कोप है वो बहुत वाइड है पहले की कहावत होती थी जिसको कुछ नहीं आता वो लॉ कर ले। लेकिन आज की कहावत बिल्कुल चेंज हो गई है तो सबसे पहले अपने सिलेबस को जानिए कि एमएससी में क्या सिलेबस है तो मैंने आपको बता दिया इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स करंट अफेयर लीगल ये ईयर का सिलेबस है और मैथ्स को छोड़ के बाकी चार, चारों सब्जेक्ट्स आप लोग थ्री ईयर में आता है नेक्स्ट इज मेक अ स्टडी प्लान दस महीना बाकी है दस महीने का स्टडी प्लान आज ही बनाइए और अपने दीवार पे पेस्ट करिए और देखिए क्लास मेहनत ऐसी करो ना कि सफलता शोर मचाते तो अभी भी टाइम है दस मंथ बिल्कुल कमरे में बंद हो जाओ और पूरा हंड्रेड परसेंट डेडिकेशन के साथ अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करिए द नेक्स्ट इज फोकस ऑन द बेसिक हम पढ़ लेते हैं हमें मालूम ही नहीं होता कि कॉन्सेप्ट क्या होता है तो हर सब्जेक्ट का ना पे फोकस करो फोकस ऑन द बेसिक अगर बेसिक पे फोकस कर दिया ना तो आप लोग का किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आए आप लोग इजीली कर सकते हैं द नेक्स्ट इज डिवाइड टाइम वाइजली

एम एस सी टी थ्री एंड फाइव ईयर इज वन ऑफ द इजिएस्ट लॉ एंट्रेंस एग्जाम कट ऑफ हाई जाता है तो इसलिए जितना हो सके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बाद फोकस करिए मॉक पेपर पे रिविजन इज द की विदाउट रिविजन आप लोग जीरो लेवल पे यहाँ पे आ जाएंगे तो रिविजन करते रहिएगा एंड स्टे अपडेटेड ऑफिशियल वेबसाइट बार बार चेक करते रहिए कि कहीं कुछ अपडेट तो नहीं आया है So, जिस स्टूडेंट ने इसको फॉलो कर लिया समझ लीजिए आप लोग का सिलेक्शन डन है मैम मैम हम कहां से कहां से e कहां से पढ़े पढ़े मॉक पेपर दें ई बुक्स तो आप लोगों के लिए बैच है चार जुलाई से ऑलरेडी शुरू है हमारा जुलाई खत्म अगस्त आ रहा है तो आप लोग इस बैच को रिकॉर्डेड सेशन में सुन सकते हो रिकॉर्डेड में बिल्कुल फिक्स कर लो कि मुझे 10 से 3 बजे तक पूरा पढ़ाई करना है रिकॉर्डेड सेशन को सुनना है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मॉक पेपर दीजिए और मॉक पेपर के बाद आप लोग सेल्फ एनालिसिस करिए कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं तो अगर आपको फाइव ईयर का बैच लेना है या थ्री ईयर का आज ही लीजिए क्योंकि आज आप लोग का डिस्काउंट चल रहा है वाई थ्री नाइन वन पी आप लोग का कूपन कोड है तो अगर आप लोगों को ये बैच लेना है प्रोसेस बहुत ही सिंपल है आप लोग का अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ओपन करिए जैसे ही अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ओपन करेंगे ऑल कोर्सेज पे जाइए अंडर ग्रेजुएट लॉ एंट्रेंस पे क्लिक करिए और आप ये आप का टी ये आप टी का का बैच है आप देख सकते हैं ठीक है ठेके? ये विक्ट्री बैच है थ्री ईयर फाइव ईयर तो अगर कोई सा भी बैच लो ये फाइव ईयर का बैच है तो यहाँ पे आप दाम देख सकते हैं सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लेकिन आज बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है तो कूपन कोड वाई थ्री नाइन वन पी यूज करो Y391P. जैसे ही अप्लाई पे यूज़ करोगे आप देख सकते हो सिक्स थाउजेंड का बस ये प्राइस है और एक साल तक ये बैच आप लोगों के पास रहेगा कितने साल तक एक साल तक ये बैच आप लोगों के पास यहाँ पे रहेगा तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं डो नॉट फॉरगेट टू इन इन दिस बैच थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन